दोस्तों, ये है नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये एक मेडिकल डिवाइस है और आजकल जो पैंडेमिक सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है उसको मद्देनजर रखते हैं, उसको देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस बन चुका है अभी के लिए। तो इस वीडियो में हम आज इसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसको कैसे यूज करना, कैसे ऑपरेट करना उसके बारे में बात करेंगे और इसकी जो सेटिंग्स है उनको कैसे यूज करना है, कैसे फॉलो करना है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो सेफ रहिए और देखते रहिए। दोस्तों, जो बॉक्स है कुछ इस प्रकार से है। ब्रांड की बात नहीं करने वाले हम लोग और हम लोग सीधे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स को हमने ओपन करना है। बॉक्स को ओपन किया तो ये जो डिवाइस है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं इसके साथ और क्या आता है। तो कुछ भी नहीं है, वारंटी कार्ड है और ये कुछ पेपर वर्क है और ये हमारे पास जो है इसका बुकलेट है जिसको रीड करने की जरूरत होती है इसको ऑपरेट करने से पहले, जो कि हमने कर लिया और इसकी नॉलेज जो है आप तक शेयर करने वाला है। इसको भी सब साइड में रखते हैं और डिवाइस को देखते हैं। तो डिवाइस के साथ जो है ये बैटरी मिलने वाली है, ट्रिपल ए वाली। और एक बार डिवाइस को निकालते हैं, इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो ये काफी हैंडी फील हो रहा है। यहाँ पे एक LED डिस्प्ले मिल जाएगा और ये तीन बटन जो है सेटिंग की और प्लस माइनस की भी है। ये जो है इंफ्रारेड हेड है और इंफ्रारेड हेड कवर है, ये मेजरमेंट बटन है और यहाँ जो है बैटरी लगाने के लिए दिया गया है जो कि बैटरी कवर है। तो चलिए पहले बैटरी लगा के फिर एक बार इसको ऑपरेट करके देखते हैं, फिर सेटिंग्स की बात करेंगे, फिर सारी चीजों की जो है बात करने वाले हैं। एक बार हम बैटरी निकालते हैं और ये बैटरी इनपुट करके देखें। इसको बाहर की तरफ प्रेस करना है, इधर प्लस फिर इधर माइनस और ये डिवाइस जो है रेडी हो चुका है। एक बार हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करके देखते हैं। जैसे हमने मेजरमेंट बटन दबाया, ये देखिए बॉडी टेम्परेचर 97.9 फारेनहाइट शो कर रहा है और यहाँ पे जो वॉल्यूम का बटन है। तो सारी चीजों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है ये दो तरीके से काम करेगा, एक बॉडी टेम्परेचर शो करेगा और एक ये जो है सेटिंग चेंज करने के साथ सरफेस टेम्परेचर शो करेगा। दो टेम्परेचर की जो है हमको जरूरत पड़ती है। अभी आप देखिए यहाँ ये जो है फारेनहाइट में शो कर रहा है, इसको हम सेटिंग की बदौलत सेल्सियस में भी कर सकते हैं और यहाँ जो है वॉल्यूम ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है। चूंकि एक चीज मैं बता दूं कि ये जो वॉल्यूम है ये तीन तरीके से बताएगा। अगर टेम्परेचर काफी लो है, एक शॉर्ट सा जो है बहुत शॉर्ट सा साउंड बीप करेगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो सिंगल जो है एक नॉर्मल सा ही बीप जो है ये देगा। लेकिन अगर नॉर्मल से थोड़ा सा मॉडरेट होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये डबल साउंड मतलब दो बार बीप करेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है अबाउ 104 डिग्री फारेनहाइट, तो एक बहुत लंबा सा जो है ये बीप साउंड करेगा। तो तीन तरीके से काम करने वाला है। तो चलिए एक बार मीजर करके देखते हैं साउंड किस प्रकार से होता है। तो एक बार बॉडी टेम्परेचर अगर हम अपना मीजर करें तो ये 98.1 हो गया है फारेनहाइट और सिंपल एक नॉर्मल सा जो है ये बीप आया है। और अगर हम बात करें थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर जाने की, कि जैसे मेरे पास अगर एक फोन है थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट है, इसको मीजर करते हैं बटन प्रेस करते हुए, तो देखिए एक लंबा जो है बीप गया है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो कुछ ज्यादा है। अगर वही थोड़ा सा मॉडरेट होता, मतलब बिलो 100 अगर होता, तो ये डबल जो है ये डबल बीप होती। और अगर 104 के ऊपर जाएगा तो ये बहुत ही लंबा जो है, जैसे अभी लॉन्ग बीप हुआ उस तरीके से बीप होगा। और अगर मॉडरेट रहता है तो दो बार बीप करेगा और नॉर्मल रहता है तो एक सिंपल सा छोटा सा बीप, जो कि अभी मैंने बॉडी पे करके दिखाया था, उस प्रकार से बीप होगा। और आप इसको सरफेस टेम्परेचर में भी एक बार मेजर करके देख सकते हैं। तो अभी ये देखिए बॉडी है, लेट मी चेंज इट टू सरफेस टेम्परेचर। तो यहाँ हमने माइनस को प्रेस किया है और अभी आप देखेंगे तो ये सरफेस टेम्परेचर। तो जो सरफेस टेम्परेचर वो बेसिकली लो बता रहा है, क्योंकि जो बाहरी टेम्परेचर होता है वो बेसिकली कम होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता घटता रहता है। तो इस तरीके से हमको ये चीजें मेजर करनी है। तो ये हो गई साउंड की बात। अब अगर हम इसकी बात करें कि कैसे यूज करना है, तो 3 से 5 सेंटीमीटर का जो है हमको एक गैप जनरेट करना है बॉडी से और इस डिवाइस के बीच में, ताकि हमको एक कॉन्टेक्ट लेस जो है ऑपरेशन पूरा कंप्लीट करना है। तो 3 से 5 का जो डिस्टेंस हम रखेंगे और इस मेजरमेंट बटन को एक बार जब दबाएंगे तो ये टेम्परेचर यहाँ पे देखिए डिनोट करने लगेगा 97.9 फारेनहाइट। तो कुछ इस प्रकार से है। अब सेटिंग्स को कैसे करना है, तो अगर मान के चलिए हमको सीधे ये बदलना है, अगर सारी चीजों को चेंज करना है, तो हम एक बार मेजरमेंट बटन को दबाएंगे और यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। या फोन जो है साउंड के लिए एक बार प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो जो है
साउंड एक आप हट चुका है, प्लस करेंगे तो साउंड ऑन हो जाएगा। एफ टू में चलेंगे हम तो अगर आप माइनस करेंगे तो फारेनहाइट होगा, प्लस करेंगे तो सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करना है, प्लस में सेल्सियस और माइनस में फारेनहाइट। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है वो सेटिंग को क्लिक करने के बाद वो आता है F4, जो कि ऑब्जेक्ट मोड है, कि आप कौन सा जो है बॉडी जो है मतलब किस चीज का जो है टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर या फिर सरफेस टेम्परेचर, तो इस चीज को डिनोट करेगा। उसको चेंज करने के लिए मेजरमेंट बटन दबाएंगे और ये जो माइनस का बटन है इसको आप 3 सेकंड के लिए होल्ड किए रहिए। होल्ड करने के बाद आप यहाँ डिनोट होगा, 3 सेकंड तक हमने होल्ड किया, F4 का ऑप्शन आ गया देखिए, और एक बार आप ये मेजरमेंट बटन दबाएंगे तो सरफेस टेम्परेचर शो होने लगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये बॉडी टेम्परेचर में चेंज हो चुका है, क्योंकि हमको बस ये एक बार दबाना है। जो माइनस वाला है उसको 3 सेकंड के लिए आप प्रेस करेंगे तो ये सरफेस में चेंज हो जाएगा F4 लिख के। फिर उसके बाद से आपको F4 लिखने की जरूरत नहीं आएगी, आप 2 सेकंड के लिए दबाएंगे वापस से और मेजरमेंट क्लिक करेंगे तो ये बॉडी में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे ये बॉडी और सरफेस में चेंज होते जा रहा है। तो इस तरीके से हम बॉडी और सरफेस का भी जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। दोस्तों ये जो है पूरी डिवाइस की ओवरव्यू है और इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसका फंक्शन है, सारी चीज हमने वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज में इसको ऑपरेट करने में, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, अपना क्वेरी पूछिए कमेंट में, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, काफी अच्छा लगा देख के, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं आपके काम की। और आखिरी में सेफ रहिए और देखते रहिए। जय हिंद। दोस्तों एक बार हम मेजर करके देखते हैं, तो हमने यहाँ फॉरहेड के सामने रखना है और एक बार मेजरमेंट बटन दबाएंगे तो आप देख पा रहे हैं 99.1 आ रहा है इनका। एक बार हम फिर से और शॉर्ट करेंगे, बॉडी टेम्परेचर है ये, तो उतना ही आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से मेजर करना हमको, हम देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा आ रहा है लाइट की वजह से 99.1। यहाँ आपको फॉरहेड के सामने रखना है और क्लोज जाके क्लिक करना है।